स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र राजपुर शिक्षा एकेडमी स्कूल रावसर से ऑनलाइन क्लासेस चल रही है अपनी। क्लास 12 का जो अपना टॉपिक चल रहा है डिटरमिनेटिव्स, उसमें न्यू क्वेश्चन लेके आया हम ये। और आपको पता है कंटिन्यू क्लास में क्या रीड कराया जा रहा है, ऑपरेशन यानी कि ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे डन किए जाते हैं, उनको कैसे सोल्व करते हैं, उन पर डिस्कस कर रहे हैं। ओके, न्यू क्वेश्चन अपना ये, यानी आपको एक डिटरमिनेटिव दिया और आपको ये प्रूव करना बाय ऑपरेशन, आपको प्रूव करना ऑपरेशन किस में अप्लाई होता है। ऑपरेशन आप रो में भी लगा सकते हो, ऑपरेशन आप कॉलम में भी लगा सकते हो। रो को मल्टीप्लाई कर दो या डिवाइड कर दो, रो को मल्टीप्लाई कर दो या माइनस कर दो या ऐड कर दो। ओके, सेम कंसेप्ट कॉलम में भी यही कर सकते हो। आपको मैक्सिमम क्या रखना है, आपको जीरो रखना है। जो फॉर्मेट आपसे पूछा ना वो लेके आना, उस पर डिस्कस करते हैं। जैसे ऐसा क्वेश्चन आपने पास एक डिटरमिनेटिव आपको गिवन में दिया था, वो क्या देता है आपको ए ए प्लस में बी, ए प्लस टू बी यानी रो नंबर फर्स्ट है। सेकंड रो में क्या देता है आपको ए प्लस में टू बी ए एंड ए प्लस बी। नंबर ऑफ थर्ड रो में क्या दिया आपको ए प्लस बी ए प्लस टू बी एंड ए, ये डिटरमिनेटिव है। और इसको प्रूफ क्या कर देना, 9 ए प्लस में बी ब्रेक लो डॉट बी की स्क्वायर। ओके, इसको लेके आते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। गाइस सॉल्व कैसे करते हैं वो देखते जाना आप अच्छे से। ये मैंने यहां पे नोट कर दिया सॉल्व। सबसे फर्स्ट प्रूफ क्या है, अपना डिटरमिनेटिव को नोट करना, यानी इसको नोट करते हैं। और ये क्या अपने पास ए ए प्लस में बी। ओके, अच्छे से नोट करना, कोई भी डिजिट आपका मिस नहीं होना चाहिए। ए ए प्लस में बी, ए प्लस में टू बी एंड ए प्लस में टू बी। सेकेंड रो अपनी है ए प्लस में टू बी एंड ए ए प्लस में बी ए ए प्लस में बी। थर्ड नंबर रो में एलिमेंट क्या है गाइस, अपने ए प्लस में बी एंड ए प्लस में टू बी। और लास्ट में क्या है अपना ए। सोल्व करें इसको स्टेप बाय स्टेप। अब आपको देखो क्या बनाना है, या 9 बनाना है या ए प्लस बी बनाओ या क्या बनाओ बी स्क्वायर। तो ए प्लस में बी बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ऐड करना, देखो आर वन आर टू आर थ्री को ऐड करना है। ऑपरेशन क्या है, आर वन आर टू आर थ्री को ऐड करो। तो काउंट करना ए वन ए टू ए और थ्री ए, यानी थ्री ए बन रहा है। बी को काउंट करना टू बी और वन बी थ्री बी। ओके, यहाँ पे थ्री ए थ्री बी बनेगा, यहाँ पे भी थ्री ए थ्री बी बनेगा और यहाँ पे भी क्या बनेगा गाइस थ्री ए थ्री बी। थ्री कॉमन ले लेंगे तो क्या रहेगा ए प्लस बी थ्री भी कॉमन आ जाएगा, ए प्लस बी भी कॉमन आ जाएगा। ये फॉर्मेट आपका क्या हो जाएगा गाइस रेडी हो जाएगा। ओके, तो मैं कह रहा हूं आपको, देखो एक्सप्लेन करते हैं, यहां पे नोट करते हो, आप भी नोट करो। ऑपरेशन क्या है अपना गाइस, ऑपरेशन है ओके भाई, ऑपरेशन सॉल्व कर रहे हैं। और गाइस ऑपरेशन किस में अप्लाई कर रहे हो आप, आर1 में यानी नंबर ऑफ फर्स्ट रो में। और वो क्या है शो कर रहा है, आर1 प्लस में आर2 प्लस में आर3 यानी रो नंबर फर्स्ट रो नंबर सेकंड रो नंबर थर्ड को क्या कर दो गाइस आप पे ऐड कर दो। तो ऐड करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है अपने पास। ए आर वन के ओनली फॉर आर वन में अप्लाई करना है, आर वन में अप्लाई करना ए प्लस में ए प्लस टू बी एंड ए प्लस में बी। यानी यहाँ पे क्या नोट करूं मैं, ए ए प्लस में टू बी, ये आर टू एलिमेंट और आर थ्री एलिमेंट क्या है गाइस ए प्लस में बी ए प्लस में बी। ये आपके सामने डायरेक्ट लिख दो आप थ्री ए थ्री बी, कोई रॉन्ग नहीं। ओके, मतलब समझाने के लिए टोटल लिख रहा हूँ, आप डायरेक्ट लिख दो थ्री ए थ्री बी। सेम यहाँ पे काउंट करो ए प्लस में बी ए प्लस में बी ए एंड ए प्लस में टू बी। ओके गाइस, एंड आर थ्री को काउंट करो ए प्लस टू बी ए प्लस बी एंड ए, यानी ए प्लस में टू बी, फिर प्लस का साइन ए प्लस में बी एंड प्लस कर दो अनदर, और प्लस में क्या ऐड कर दो ए है ना, ए ऐड कर दो। यहाँ पे गाइस क्या अपना ए है, तो ये रहा आर वन में ऑपरेशन अप्लाई करो तो ओनली फॉर आर वन चेंजिंग होगा, आर टू आर थ्री सेम नोट कर दो, उसमें कोई चेंज नहीं करना। ऑपरेशन किसमें चल रहा है गाइस अपना आर वन में, तो आर वन में लगाना आर टू आर थ्री को सेम नोट करो स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे ए प्लस में टू बी ए प्लस में टू बी ए एंड ए प्लस में बी, आर थ्री रो के अपने पास ए प्लस में बी ए प्लस में टू बी एंड ए। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है, यहाँ पे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन किसका गाइस प्लस का है, तो हम भी क्या कर देते हैं सभी को ऐड कर देते हैं। काउंट करो ए के साथ ए ऐड होगा बी के साथ बी, वन ए टू ए थ्री ए यानी थ्री ए थ्री बी बन रहा है। यहाँ पे तो मैं नोट करूँ कंटिन्यू स्टेप बाय स्टेप, तो मैं क्या नोट कर सकता हूँ थ्री ए प्लस में थ्री बी। यहाँ पे भी मैं क्या नोट कर सकता हूँ आप लोग सर थ्री ए थ्री बी, और इसमें भी आप क्या नोट करोगे थ्री ए प्लस में थ्री बी। ओके, आई होप यहाँ पे किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से डन कर लोगे। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई चेंज होगा क्या, नहीं होगा ना। तो a प्लस में 2b सेम आ गया, a प्लस b गाइस आपका ये रहा एंड a a प्लस 2b कंटिन्यू है a एंड a प्लस में 2b
यहाँ पे क्या नोट कर दो हमें ए प्लस में बी और स्मॉल ए। ओके फ्रेंड क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो आप थ्री डबल आ रहा है, यहाँ पे भी थ्री डबल, तो थ्री को क्या ले लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ओके थ्री यहाँ पे क्या आ गया गाइस, अपना कॉमन आ गया। ओके तो क्या अपने पास थ्री है, थ्री भी कॉमन है, तो थ्री को क्या लेते हैं, यहाँ से कॉमन लेते हैं, थ्री कॉमन ले रहा हूँ, ब्रेक में क्या नोट कर दूंगा ए प्लस बी, यहाँ पे भी थ्री कॉमन ले रहा हूँ, क्या नोट कर दूंगा ए प्लस में बी, और यहाँ पे भी थ्री कॉमन है, तो गाइस यहाँ पे भी क्या नोट कर दोगे आप ए प्लस में बी। ओके इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये नोट कर दिया मैंने ए प्लस में टू बी, ए प्लस में बी ये नोट कर दिया मैंने, यहाँ पे ये चल ही रहा है अपना ए प्लस में टू बी कंटिन्यू स्टेप बाई स्टेप, और यहाँ पे ए प्लस में बी, और यहाँ पे गाइस क्या है स्मॉल ए, यहाँ पे क्या आपका स्मॉल ए। ओके फ्रेंड्स क्लियर है सभी को, अब मुझे बताओ आप रोल नंबर फर्स्ट यानी आर वन में से थ्री ए प्लस बी क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, थ्री ए प्लस में बी क्या आ रहा है गाइस कॉमन है, जिसको कॉमन लेते हैं और यहाँ पे नोट कर देते हैं टेकिंग कॉमन, क्या नोट करते हैं टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे हो गाइस आप थ्री ए प्लस में बी, और कहां से ले रहे हो फ्रॉम आर वन से, आपने थ्री ए प्लस बी कॉमन लिया लेकिन कहां से लिया आर वन से कॉमन ले रहे हो, तो चेंजिंग क्या होगा डेटरमिनेंट में, जो कॉमन लेते हैं उसको पहले नोट कर देते हैं ए प्लस में बी, और इसमें क्या आएगा आपने कॉमन ले कंप्लीट एक फंक्शन कॉमन ले लिया, हमें क्या नोट कर सकते हैं वन, ये ना गाइस वन वन एंड वन नोट कर दिया, इसमें कोई चेंज नहीं होगा ए प्लस में टू बी ए प्लस में बी ए एंड ए प्लस में टू बी, और गाइस यहाँ पे क्या नोट कर दोगे ए प्लस में बी एंड स्मॉल ए। ओके फ्रेंड्स और मैंने लास्ट वीडियो में कहा है मैंने कि आपको डेटोनेटर क्या बनाना है, बल्ब बनाना है, और बल्ब बनने के साथ में क्या करते हो गाइस आप जीरो बनाना है। ओके ये वन जीरो में क्या माइनस यानी कब जीरो बन पाएगा, वन को कर क्या कर दोगे आप माइनस करोगे, यहाँ पे वन है यहाँ पे वन है तो वन माइनस वन गाइस क्या नोट करोगे जीरो। ओके अब इसको भी जीरो में कन्वर्ट करो, इससे ये क्या कर दो माइनस कर दो, यानी सी वन माइनस सी टू नंबर फर्स्ट ऑपरेशन लगेगा एंड लगा के सेकेंड नोट क्या करोगे सी टू माइनस सी थ्री, तो कितनी जीरो आ जाएगी गाइस अपने पास टू ऑफ जीरो आ जाएगी, और टू जीरो आने के बाद में क्या करते हैं एक्सपेंडिंग क्या करते हैं एक्सपेंडिंग करो, तो आपका जो लास्ट आंसर आपको चाहिए वो अपने पास बन जाएगा। ओके ये क्वेश्चन तो आगे स्टेप बाय स्टेप कराता हूं मैं, इतना बच्चों आप नोट करो, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। ओके इतना आपने कर लिया, आप देखते हैं आगे क्या बनेगा अपने पास। अपना चल क्या रहा है थ्री ए प्लस में बी कॉमन ले रहा है, यहां से ऑपरेशन नोट करता हूं मैं, और ऑपरेशन क्या लगाता हूं गाइस बाई ऑपरेशन बाई ऑपरेशन ऑपरेशन किसमें लगा रहे हो आप सी वन में यानी कॉलम नंबर फर्स्ट में, और यहाँ पे कॉलम नंबर फर्स्ट में कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हो सी वन माइनस सी टू, यानी सी वन से सी टू क्या कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं, एंड सेकंड ऑपरेशन गाइस क्या लगा रहे हो आप सी टू माइनस सी थ्री, सी टू माइनस में सी थ्री। ओके सी टू से सी थ्री माइनस कर दो, सी वन से सी टू माइनस करो, तो चेंजिंग क्या होगा वो नोट करते हैं, थ्री ए प्लस में बी कंटिन्यू थ्री ए प्लस में बी, डेटरमिनेंट में क्या होगा C1 माइनस C2 यानी 1 माइनस 1 किसके इक्वल है गाइस जीरो के इक्वल है, ये नोट करते हैं मैंने जीरो C1 माइनस में C2 यानी कॉलम नंबर फर्स्ट को माइनस कॉलम नंबर फर्स्ट से माइनस क्या करना है कॉलम नंबर सेकंड यानी 1 माइनस 1 जीरो A प्लस में 2B माइनस का 1 A प्लस में 2B। ओके गाइस A प्लस में 2B और माइनस का क्या चल रहा है A, अब मुझे बताओ A से A कैंसिल नहीं हो गया, प्लस A से माइनस A क्या हो रहा है गाइस कैंसिल हो रहा है, तो डायरेक्ट मैं क्या नोट कर दूं प्लस का 2B नोट कर दूंगा, यहां पे आगे समझ गया आपको सभी को क्लियर है कि 2B क्यों बन रहा है, क्योंकि प्लस A माइनस A तो क्या हो गया जीरो हो गया, सेम कांसेप्ट यहां पे A प्लस में B क्या कर रहा है A प्लस B से आप माइनस कर रहे हो, माइनस क्या कर रहे हो माइनस का A माइनस का 2B बिकॉज बाहर माइनस का साइन होता है इनसाइड ऑल ऑफ साइन क्या होता है गाइस चेंज हो जाते हैं, तो इससे ये माइनस कर रहे हैं ए प्लस बी प्लस का है माइनस लगाओ ये माइनस कर दो माइनस का ए आएगा, अब ये साइन किसका है गाइस प्लस का है लेकिन आप ऑपरेशन क्या लगा रहे हो माइनस का, तो प्लस का 2b किस में नोट कर दोगे माइनस के 2b में, और ये मैंने नोट किया देखो प्लस है माइनस है कैंसिल हो गया काउंट नहीं करना है, प्लस का बी और माइनस का टू बी तो आंसर कितना है माइनस बी, तो डायरेक्ट आपको क्या नोट कर देना माइनस बी नोट कर देना। ओके डायरेक्ट डेटरमिनेंट की जो वैल्यू है वो वहां पे क्या आ जाएगा माइनस का बी, आपको इतने करके ध्यान है। ओके डायरेक्ट आप वैल्यू नोट कर सकते हो कोई रॉन्ग नहीं है।
ओके गाइस, अब C2 माइनस C3 कर रहे हैं, 1 माइनस में 1 गाइस किसके इक्वल है, आपको सर 0 के इक्वल है 1 माइनस में 1। a से a माइनस a प्लस b माइनस कर रहे हैं यहां पे गाइस, पहले मैं क्या नोट करूंगा C2 और फिर माइनस में क्या कर दूंगा C3, माइनस a माइनस b, तो बोलो प्लस a माइनस a कैंसिल ही होगा, प्लस a माइनस a क्या हो गया गाइस कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या रहेगा माइनस का b, और वही आप गाइस यहां पे नोट कर दो माइनस का b यार आपके सामने। थर्ड नंबर क्या अपने पास a प्लस 2b से a माइनस हो, तो प्लस a माइनस कट गया, तो यहां पे क्या नोट करेंगे हम प्लस का 2b। ओके C3 में आपने कहीं ऑपरेशन लगाया कि नहीं लगाया, तो C3 को एडिटिव नोट करो 1, यानी कि अपने पास क्या चल रहा है 1 a प्लस में b, और यहां पे गाइस क्या अपना a, यहां तक बोलो किसी कोई प्रॉब्लम, और मैंने क्या कहा कि आपको 0 बनने के बाद डायरेक्ट आगे में एक्सपेंडिंग करना है, मैक्सिमम 0 किस में आ रही है मुझे बताओ, आपको सर R1 में 0 आ रही है, तो एक्सपेंडिंग भी किसके अकॉर्डिंग कर दो, R1 के अकॉर्डिंग कर दो। ओके यानी जो इस लेग नोट के इसको मैं क्या कर देता हूं, इरेज करता हूं और आंसर अब ले गया आपने, आंसर को क्या करते हैं यहां से सॉल्व आउट करते हैं। अब देखो आंसर क्या निकल के आएगा, क्या करना है अपने पास 2 0 मिल गई, तो R1 के अकॉर्डिंग क्या करता है एक्सपेंडिंग, ठीक है ना, ऑन एक्सपेंडिंग इसको भी काम नहीं करना है, यहाँ पे काम नहीं, काम तो काउंट कौन सा होगा ये काउंट करना ओनली फॉर, यानी कि 2b माइनस का b, यहाँ पे क्या नोट करेंगे 2b माइनस का b, एंड लास्ट नंबर रो में क्या नोट कर देंगे माइनस का b प्लस का 2b, यानी कि माइनस b का ये रहा प्लस का 2b ये रहा आपके सामने, यहाँ तक किसी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्व आउट करते देखो क्या आएगा अपने पास आंसर, 3a प्लस में b कंटिन्यू कर रहा है। ओके फ्रेंड्स यहां पे क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2b * में 2b, तो आप क्या नोट कर दोगे 4b 3b यानी 2b * में 2b, तो क्या आएगा 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, बट अनदर एक माइनस और अपने पास माइनस माइनस प्लस है, तो फॉर्मूले वाला माइनस कहां की वो भी तो है ना प्लस माइनस, नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा गाइस माइनस में, ये रहा वो माइनस b * b b स्क्वायर, तो 4b स्क्वायर में से 1b स्क्वायर माइनस हो गया, रिमेनिंग कितने रहेगा आप क्या कहोगे सर 3b स्क्वायर, और वो यहां पे नोट कर देते हैं 3a प्लस में b कंटिन्यू चल ही रहा है, और इसको सॉल्व आउट करने पे कितना रहेगा अपना 3b स्क्वायर, नंबर का नंबर के साथ क्या होता है मल्टीप्लाई होगा, नंबर का नंबर के साथ क्या होता है गाइस आप कहोगे सर मल्टीप्लाई हो, तो हम भी क्या कर देते हैं यहां से मल्टीप्लाई, तो 3 * 3 कितने नोट कर दो मैं, आप कहोगे सर 9 नोट कर दो, ये ब्रेक तो चल ही रहा है और डॉट में क्या था अपना 20 स्क्वायर, यानी यही हमें क्या करना था गाइस प्रूव करना था, ये रहा रिजल्ट आपके सामने, और मैं समझता हूं कि आप लोगों सभी को आने लगा होगा कि ऑपरेशन कैसे वर्क करते हैं, सॉल्व आउट कैसे होते हैं, डिटरमिनेंट क्वेश्चन कैसे वर्क करते हैं, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ओके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएंगे, ये क्वेश्चन आएगा आपको एक डिटरमिनेंट भी देगा उसका आंसर देगा, आप आपको सॉल्व करना है वहां पे ऑपरेशन लगाओ डन करो, कि मैक्सिमम क्वेश्चन क्या हो गया R1 R2 R3 ऐड कर दो 1 1 बनाओ और उसके बाद में 0 बनाओ उनको और क्या कर दो आप एक्सपेंडिंग कर दो। ओके गाइस समझ गए आप ऐसे आपको करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस अपना प्रूफ दैट, प्रूफ करना आपको y प्लस में z x y z प्लस में x z x x प्लस में y y z, ये डिटरमिनेटिव है इसको सॉल्व करके आपको दिखाना है x प्लस y प्लस में z 1 ब्रेक और सेकंड ब्रेक में क्या आना चाहिए x माइनस z की होल स्क्वायर। ओके वही सेम कांसेप्ट ऑपरेशन लगाओ, ये बनाओ जो कांसेप्ट आपको बनाना है उसके बाद में 1 1 बनाओ, 1 को 0 में कन्वर्ट कर दो और 0 के बाद क्या कर दो आप एक्सपेंडिंग कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। ओके तो x प्लस y प्लस z बना या x माइनस z की होल स्क्वायर बना, तो x माइनस z की होल स्क्वायर तो बनेगी नहीं क्योंकि सभी किस में है प्लस में, लेकिन x प्लस y प्लस z आप यहां से जनरेट कर सकते हो कैसे, R1 R2 R3 को नोट करना, तो यहाँ पे देखो x कितने टाइम है आपको जैसे 2 टाइम है, y भी कितने आ रहे हैं 2, z भी कितने आ रहे हैं 2, तो 2 को कॉमन लेने पे क्या बन जाएगा x प्लस में y प्लस में z, इनको ऐड करना आपको सर x प्लस y प्लस z बनेगा, इनको भी ऐड करो इनके में क्या बनेगा x प्लस y प्लस में z, तो x प्लस y प्लस z को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, वहां पे गाइस एक में 2 आएगा एक में 1 1 आ रहा है, तो 1 1 को क्या बनाएंगे 0, 2 को भी क्या बना देंगे 0। ओके
करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। ओके करो मेरे साथ में, देखो यहाँ पे तो सोल्व करें गाइस क्वेश्चन। डेक्टिविटी अगेन नोट करते हैं, नोट करो इसको, y प्लस में z कोई एलिमेंट नहीं रहना चाहिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि जल्दबाजी में गलती मत करना है। y प्लस में z यहाँ पे x है, ये y था आपका। ओके यहाँ पे z प्लस में x बनेगा, यहाँ पे z चल ही रहा है कंटिन्यू, यहाँ पे x नोट कर दूंगा मैं, फिर x प्लस में y नोट करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे क्या नोट करते हैं गाइस, x प्लस में y और यहाँ पे क्या आते हैं आपका y और ये चल रहा है आपका z। ये डेरिवेटिव है, इसको सॉल्व करते हैं। ओके सॉल्व करने पे ऑपरेशन अप्लाई करें, बाय ऑपरेशन, ऑपरेशन को नोट करते हैं, बाय ऑपरेशन। ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं गाइस, आर वन में लगा रहे हैं, और आर वन में कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री, जहां तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। आर वन आर टू आर थ्री को क्या करना है गाइस, ऐड करना है, किस में ऐड करना है आर वन में, तो करते हैं ऐड। आप देख लेना आप आर वन ले रहे हैं, इसमें ऐड करूंगा तो देखो ऐड करना वाई प्लस में जेड, जेड प्लस में एक्स और यहाँ पे प्लस में एक्स प्लस वाई, तो एक्स कितने टाइम आपको सर टू टाइम आ रहे हैं, यानी कि टू एक्स बन रहे हैं, टू वाई बन रहे हैं, टू गाइस क्या बन रहे हैं अपने जेड बन रहे हैं, यानी टू एक्स प्लस टू वाई प्लस में टू जेड। मैंने नोट कर दिया यहाँ पे ऐड करना, यहाँ पे ऐड करें तो डायरेक्ट बन जाएगा एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, यानी ऑर्डर में लिखे मतलब क्या बनेगा एक्स जेड वाई बनेगा, फिर रीऑर्डर करो तो क्या बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, यानी पहले लिख लो आप, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको भी सोल्व आउट करके लिख लो डायरेक्ट क्या बन जाएगा एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड। यहाँ तक लिखा तो ओके है सभी को, आर टू में मैंने कहीं लगाया तो ऑपरेशन आपको इधर नहीं लगाया, आर थ्री में हमने चेंज किया नहीं किया, जैसा देखा ना वैसे क्या कर दो नोट कर दो, तो यहाँ पे जेड प्लस में एक्स, जेड प्लस में एक्स और ये क्या कर रहा है अपना एक्स प्लस में वाई, एंड यहाँ पे क्या कर रहा है जेड और ये रहा आपका y और यहाँ पे x और ये गाइस अपना z। ओके फ्रेंड्स क्लियर है सभी को, अब यहाँ पे इसको देखो टू कॉमन आ रहा है इसमें, यानी r1 में क्या आ रहा है a1 वन में क्या क्या कॉमन आ रहा है आपका टू कॉमन, टू को कॉमन ले लेते हैं हम, क्वेश्चन इजी बना लेते हैं, टू यहाँ से मैंने इसमें से कॉमन लिया ओनली फॉर a1 वन में से, तो टू कॉमन लिया यहाँ पे नोट कर दिया, यहाँ पे क्या नोट करूंगा x प्लस में y प्लस में z, x प्लस वाई प्लस में z, और यहाँ पे भी क्या कर रहा है अपने गाइस x प्लस में y प्लस में z, और लास्ट वाले में भी क्या कर रहा है गाइस अपने x प्लस में y प्लस में z। ओके फ्रेंड्स क्लियर है सभी को, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम का सेम नोट कर देंगे, z प्लस में x क्या नोट करेंगे z प्लस में x z एंड x, और यहाँ पे गाइस अपने वापस z को नोट करेंगे, और यहाँ पे चल रहा है y और यहाँ पे क्या चल रहा है x प्लस में y। ओके स्टूडेंट्स क्लियर है सभी को, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ओके अब मुझे बताओ x प्लस y प्लस z r1 में कॉमन आ रहा है नहीं यार, आपको सर ये आ रहा है कॉमन, तो गाइस हम वहां से पिक करते हैं उसको, यानी टेकिंग कॉमन शो कर देते हैं, टेकिंग कॉमन क्या कॉमन ले रहे हैं गाइस x प्लस में y प्लस में z, किससे कॉमन ले रहे हैं फ्रॉम r1, फ्रॉम आर वन से क्या कर रहे हैं गाइस कॉमन ले रहे हैं, कॉमन ले सकते हैं आर वन में, आप सर टू कॉमन क्यों नहीं लिया, क्योंकि टू यहाँ पे आ रहा है बट यहाँ पे तो वन है, वहां पे वन तो टू कॉमन नहीं आएगा, तो आपने जो कॉमन लिया उसको यहाँ पे नोट कर देते हैं एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, ये रहा आपके सामने, यहाँ पे क्या रिजल्ट आएगा टू वन वन, इसमें कोई कॉमन नहीं दिया तो इसको सेम नोट कर दो, जेड प्लस में एक्स जेड एंड एक्स, यहाँ पे भी जेड चल रहा है, यहाँ पे वाई है और ये गाइस क्या अपना x प्लस में y। आई होप यहाँ तक किसी को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ऑल ऑफ स्ट्रेट इतना कर लेंगे। अब आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे वन आ गया, यहाँ पे वन बट यहाँ पे तो टू है, अब टू को जीरो कैसे बनाए, आप मुझे बताओ टू को जीरो बनाने के लिए अपने पास टू होना चाहिए, वो भी किसका माइनस का टू, ये मैं सी वन प्लस सी टू एड करूंगा तो वन और वन कितने आपको कैसे टू बन रहा है, इस सी वन से माइनस क्या कर दूंगा सी टू प्लस में सी थ्री, तो गाइस क्या रिजल्ट आएगा आपको सर जीरो आ जाएगा, और जीरो ही हमें चाहिए, समझ गए ऑपरेशन, वैसे आपको देख नहीं पाते डायरेक्ट माइंड में आ जाना चाहिए यहाँ पे ये ऑपरेशन लगेगा। ओके ऑपरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितना जल्दी आप ऑपरेशन अप्लाई करोगे उतना आंसर आपके पास आ जाएगा। ओके कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो डायरेक्ट ऑपरेशन आपको डेरिवेटिव देख के शो करना है कि ऑपरेशन कौन सा लग रहा है, टू जीरो कब बनेगा वन 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 क्यों दिया था उसने, जीरो बनाने के लिए आपको दिए थे, यहाँ पे जीरो बना देते हैं, यानी ऑपरेशन अप्लाई करूंगा, देखो मैं कौन सा ऑपरेशन बाई ऑपरेशन बाई ऑपरेशन लगाते हैं, ऑपरेशन किस पे लगा
C1 में लगा तो मैं क्या बनाऊंगा यहाँ पे C1 और ब्रैकेट वापस ओपन कर दूंगा, यहाँ पे क्या नोट करूंगा C2 प्लस में C3। सर आप इतना क्यों कर रहे हो, क्योंकि 1 और 1 क्या होंगे 2, ये क्या चाहिए पॉजिटिव, बिकॉज बाहर क्या चल रहा है माइनस का साइन चल रहा है। ओके एंड C2 में अप्लाई कर दूंगा, और C2 में कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे गाइस, क्योंकि यहाँ पे तो 1 है और C2 माइनस C3। आई होप ऑपरेशन समझ गए सभी, ऑपरेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों इतना कर रहे हो ऑपरेशन 0 बनाने के लिए। ओके x प्लस वाई प्लस जेड कंटिन्यू चल रहा है गाइस, पहले x प्लस वाई प्लस जेड को नोट करते हैं, x प्लस में वाई प्लस में जेड, डेटरमिनेंट ओपन हो गया, आप 0 बना रहे हो, देखते जाना अच्छे से। 2 ये मैं बेसिक से लिख देता हूँ, टोटल 2 मैंने नोट पे किया, देखो C2 प्लस में C3, C2 प्लस में C3 यानी कि 1 प्लस 1 आपको के सर 2, ये रहा 2 माइनस 1, 0 लिख दो, लिख दो डायरेक्ट, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, पहले से लिख लो बाद में 0 लिख लो, कहीं आप पे डिपेंड करता है। यहाँ पे क्या चल रहा है गाइस, आपको के सर जेड प्लस मैक्स कर रहा है, वो भी किसका पॉजिटिव, बाहर माइनस है, यहाँ पे भी क्या चल रहा है गाइस, आपको के सर जेड प्लस मैक्स, बाहर माइनस, तो माइनस के जेड आएगा माइनस के एक्स, बिकॉज बाहर क्या चल रहा है गाइस माइनस, और साइन क्या हो जाएगा अपने चेंज हो जाएंगे। ओके एंड इसको ऐड करो, हिस्से क्या कर देते हैं गाइस माइनस, यानी कि एक्स प्लस में वाई माइनस का वाई आएगा, और जेड भी किसका आएगा गाइस आपका माइनस का, ये रहा। ओके समझ गया, 1 ऑपरेशन आपने सोल्व कर दिया। ऑपरेशन सेकंड देखते हैं, C2 माइनस C3 यानी कि 1 माइनस 1 गाइस क्या आएगा 0, तो डायरेक्ट 0 लिख दें, यहाँ पे C2 माइनस C3 यानी जेड माइनस एक्स बन रहा है, और ये मैंने नोट कर दिया यहाँ पे जेड माइनस एक्स। ओके फिर क्या आ रहा है वाई, जेड किसका आ रहा है माइनस का, तो यहाँ पे क्या लिख दो गाइस वाई माइनस में जेड, और इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, जैसा देर का है एज इट इज, हम क्या कर देंगे गाइस नोट, 2 माइनस 2 इसके इक्वल है गाइस 0 के इक्वल है, प्लस x माइनस x कट गया, और जेड से जेड भी क्या हो जाएगा गाइस अपना कैंसिल हो जाएगा, तो नेक्स्ट जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट क्या आएगा, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। ओके फ्रेंड्स अब देखते हैं कि सोल्व आउट करने में सर का क्या रिजल्ट बन गया। अब देखो गाइस सोल्व करते हैं, अब आप मुझे बताते जाना कि क्या क्या नोट करूंगा मैं। सबसे फर्स्ट आप वर्क क्या करोगे, x प्लस में y प्लस z नोट कर दो, ये लो कर दिया हमने, फिर डिटरमिनेंट को ओपन करेंगे, ये लो कर दिया हमने 2 माइनस 2 आपको के सर 0 है, ये नोट कर दिया मैंने 0, फिर आपको के सर z से z माइनस कर दो, x से x काट दो आप, तो क्या रिजल्ट आ रहा है, सभी कैंसिल हो गए, तो 0 का रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे गाइस क्या कट रहा है, प्लस y से माइनस y कट रहा है, ये लो मैंने काट दिया, यहाँ पे क्या नोट करूंगा मैं x माइनस z नोट कर दूंगा, आपको के सर 0 पहले से आपने सोल्व कर रखा है, तो बोलते जाओ यहाँ पे 0 है, ये z माइनस x यानी कोई चेंज नहीं करेंगे, और y माइनस z अपना चल ही रहा है कंटिन्यू गाइस। ओके और 1xz ये रहा आपका 1, ये रहा x और ये गाइस z, अब तो 0 x आ गया अपने पास से, अब c बन के अकॉर्डिंग कर दो तो भी x पर आ जाएगा, r बन के अकॉर्डिंग एक्सटेंडिंग कर दो तो भी x पर आ जाएगा, आप पर डिपेंड कर रहा कैसे कर दो आंसर आपके पास होगा, लेकिन माइंड में ये रखना गाइस जितने जिसमें जितनी ज्यादा जीरो होगी ना उसके अकॉर्डिंग एक्सपेंडिंग करो, आपको बहुत ज्यादा एक्सपेंड यानी आपका जो कंपटीटर है जो आपने डायरेक्ट दिया नॉर्मल किसी के अकॉर्डिंग करो आंसर तो भी आ जाएगा, लेकिन जो आपके पास बैठा है वो क्या करेगा ये देखिए इसमें जीरो है जिसमें सबसे ज्यादा जीरो उसके अकॉर्डिंग करेगा आप जल्दी आंसर लेके आ जाएगा। ओके तो हमें भी सेम वही मिलाना है, C1 के अकॉर्डिंग करो तो आंसर आ जाएगा, R1 के अकॉर्डिंग करो तो भी आपका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास आ जाएगा। R1 से तो मैं बहुत सारे करा दिए क्वेश्चन, देखो C1 के अकॉर्डिंग करते हैं, ये तो एक्सपेंडिंग करेगा वो C1 के अकॉर्डिंग करेंगे। ओके गाइस यहां पे देखो ऑपरेशन लगाए बाई ऑपरेशन, बाई ऑपरेशन, अब ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं C1 में। ओके यानी C1 के अकॉर्डिंग डन कर रहे हैं, तो ऑपरेशन C1 में लगा रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आ रहा है देखते जाना, x प्लस में y प्लस में z, ये रहा मैंने x प्लस में y प्लस में z नोट कर दिया। C1 में ये एलिमेंट कौन सा है, a3 प्लस में 1 क्या आ रहा है 4, और 4 क्या बनाएगा इवन नंबर यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव क्या आएगा x माइनस में z, इसको काउंट नहीं करना, ये भी काउंट नहीं, तो काउंट क्या होगा गाइस अपना सिर्फ ओनली 4, ये काउंट होगा, काउंट करते हैं 0 z माइनस में x, फिर यहाँ पे 1 और यहाँ पे गाइस क्या अपना x है। इसके बाद में क्या करते हैं आप लोग सर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे x प्लस में y प्लस में z, x माइनस z आपका कंटिन्यू है, ये रहा x माइनस z, x का मल्टीप्लाई करो 0 के साथ, x इंटू 0 आप लोग सर 0 आएगा, फिर माइनस 0 को नोट ही नहीं करेंगे, माइनस में क्या आएगा 1 इंटू में z,
यानी माइनस का जेड और माइनस माइनस प्लस का एक्स। समझे नहीं गाय तो मैं रिपीट करता हूँ, जीरो इंटू एक्स क्या होगा जीरो, फिर क्या आएगा माइनस, अब बाहर माइनस का वन है, माइनस वन का पहले जेड के साथ करो तो क्या आएगा माइनस का जेड, माइनस वन का अगेन माइनस एक्स के साथ करो तो क्या आ जाएगा प्लस का एक्स, और वही मैंने यहाँ पे नोट किया। ऑर्डर में लिखते हो देखो आप क्या रिजल्ट आएगा, एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड, और यहाँ पे क्या बन जाएगा एक्स माइनस जेड, इसको ऑर्डर में लिखना तो एक्स माइनस जेड प्लस से तो पावर क्या हो जाती है एड हो जाती है, तो एक्स प्लस में वाई प्लस में जेड एक्स माइनस जेड की होल स्क्वायर, और ये कार्य अपना क्या है आंसर है। ओके आई होप समझ में आ गया हो, इस वीडियो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके जिस बच्चे उसके लिए छोड़ देना वो लेस्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 देखो गाइस आपने क्या है 1 प्लस में ए 1 1 1 1 प्लस में बी 1 1 1 1 प्लस में सी, और इसको सॉल्व करके ध्यान आपको ए बी सी सेकंड ब्रैकेट में 1 1 प्लस में 1/a प्लस 1/b 1/c ओके प्लस में ये आप ले जाएंगे, और क्वेश्चन ऑफ द डे अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लो इसको। ओके तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं गाइस, देखते जाना कैसे सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट भी हमें दे दिया 1 प्लस में a 1 1 एंड 1 1 प्लस में b 1 ओके 1 प्लस में b और 1, और थर्ड नंबर जो कॉलम है वो क्या दे रखा है 1 1 1 प्लस में c। ओके गाइस अब मुझे बता दो रिजल्ट बनाना है a b c, किसी भी डिटरमिनेटिव को या नॉर्मल नंबर को मल्टीप्लाई करते तो उतने से क्या करते हैं डिवाइड, आई होप ये कांसेप्ट सभी को आता है, सेम कांसेप्ट यहां पे अप्लाई करेगा, डिटरमिनेटिव को जितने से मल्टीप्लाई करोगे उतने से क्या करना होगा डिवाइड, तो मैं ए बी सी से मल्टीप्लाई करता हूं, ए बी सी से क्या कर देता हूं डिवाइड। ओके तो यहां पे लिख देता हूं मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ओके किससे ए बी सी से, एबीसी से मल्टीप्लाई करते हैं कहां अप डाउन में, ओके एबीसी से मल्टीप्लाई कर दो अप डाउन में, तो गाइस क्या आएगा ए प्लस एबीसी, यहां पे क्या आएगा ए बी सी, अच्छा क्वेश्चन अभी देख अच्छे समझना इस क्वेश्चन को, एबीसी और क्या चल रहा अपना 1 प्लस में ए 1 1 1 1 प्लस में बी 1 1 1 1 प्लस में सी गाइस। ओके यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 16 करो 1 एबीसी के मल्टीप्लाई में 1 होता, हमने कोई नया नहीं किया, अब मुझे चाहिए क्या एबीसी को तो बाहर रखना है, यानी ऊपर वाला तो बाहर है, तो एक एबीसी के नीचे क्या कर देते हैं डिवाइड, अब एबीसी का डिवाइड देखते हैं ना आप अच्छे से कि कैसे कर रहा हूँ मैं, ये जो एबीसी है ना ए का डिवाइड इसके साथ करूंगा, बी का डिवाइड इसके साथ करूंगा, और सी का डिवाइड क्या कर दूंगा इसके साथ। ओके गाइस एबीसी ये रहा, और जो 1/ ये जो डिवाइड में ना या ऑपरेशन में देखो लगा रहा हूँ यहाँ पे समझना आप अच्छे से By operation. अब operation लगाऊंगा तो मैं देखो क्या लगा रहा हूँ, सी पहले क्या लगा रहा हूँ R1 में, क्या लिखूंगा 1/a R1, क्या नोट कर दूंगा 1/a R1 कॉमा R2 में क्या लिखूंगा मैं आपको की सर 1/b R2, और R3 में क्या नोट कर दूंगा गाइस आपको की सर 1/c R3, क्यों कर रहे हैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि डिवाइड में ए बी सी चाहिए ना हमें 1/a 1/b 1/c, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं गाइस ए बी सी का डिवाइड कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स तो बाहर क्या चल रहा है अपना ए बी सी, ये रहा गाइस अपना ए बी सी, ओनली फॉर आर वन को क्या डिवाइड कर रहा हूँ ए से डिवाइड करो तो 1 प्लस में ए होल डिवाइड बाय ए, यानी कि मैं क्या नोट कर दूं 1 प्लस में ए बाय ए 1/a एंड 1/a। ओके स्टूडेंट्स आई होप यहाँ तक कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर b का डिवाइड कर दो R2 में 1/b 1 प्लस में b डिवाइड बाय b एंड 1/b सेम कांसेप्ट R3 में अप्लाई कर दो 1/c 1/c एंड 1 प्लस में c डिवाइड बाय c। आई होप यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके अब a का क्या कर दो डिवाइड करो, ये रहा इक्वल का साइन a b c कंटिन्यू, अब ये a होल डिवाइड में तो a 1 के डिवाइड में a a के डिवाइड में, तो इसको क्या नोट करूंगा आपको कोगे सर 1/a एंड a ये बनेगा, ये तो सॉल्व हो गई पहले से 1/a 1/a और ये है 1/a। ओके स्टूडेंट्स
सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, 1 बाई बी अपना चल ही रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको सोल्व करना क्या नोट करोगे, 1 बाई बी प्लस 1 और 1 बाई बी अपना कंटिन्यू। सेम कंसेप्ट सी में अप्लाई कर दो, 1 बाई सी, 1 बाई सी और यहाँ पे नोट करोगे 1 बाई सी प्लस में सी बाई सी कितना होता है आपका सर 1। यहाँ पे किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम, किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके फ्रेंड्स। 1 प्लस में ए ए बन रहा है। अब देखो गाइस हमें क्या बनाना है, आंसर देखो आपका क्या है, 1 प्लस 1 बाई ए अपॉन में 1 बाई बी अपॉन में 1 बाई सी। तो गाइस आर 1 के अकॉर्डिंग करो, मैं आर 1 आर 2 आर 3 को ऐड करूं तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, लेकिन सी 1 सी 3 को ऐड करूं तो ये रिजल्ट नहीं आएगा। तो थोड़ा देख लेना ऑपरेशन किस में लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो, रिजल्ट आ क्या रहा है वो इंपॉर्टेंट है। लगाने से पहले आपको रिजल्ट का पता होना चाहिए कि इसको ये लगाऊंगा तो ये रिजल्ट मुझे फाइंड होगा, ओके। तो डन करता हूं मैं, और डन करने के लिए बाई ऑपरेशन आप सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बाई ऑपरेशन सोल्व करते हैं। तो बाई ऑपरेशन देखो गाइस, ऑपरेशन किस में लगा रहे हैं, आर वन में, और कौन सा ऑपरेशन लगा रहे हैं, आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री, यानी आर वन आर टू आर थ्री क्या कर दो गाइस, प्लस कर दो, और वही मैं कर देता हूँ प्लस। ए बी सी कंटिन्यू है गाइस, ये आपका ए बी सी, प्लस करें तो प्लस करने पे क्या आएगा, 1 प्लस 1 बाई ए, ऑर्डर में भी लिख रहा हूँ साथ में, 1 बाई ए प्लस में 1 बाई बी होगा प्लस में आपके तो सर 1 बाई सी होगा। आर 1 आर 2 आर 3 में यहाँ पे भी ये रिजल्ट आएगा सेम, 1 बाई ए 1 बाई बी प्लस में 1 बाई सी, ओके फ्रेंड्स। यहाँ पे भी ये रिजल्ट मिलेगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, ओके फ्रेंड। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, इसमें तो हमें कोई ऑपरेशन ही नहीं लगाया, सेम नोट कर दूंगा, 1 बाई बी 1 बाई सी 1 प्लस में 1 बाई बी, आगे पीछे करके लिख रहा हूँ मैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 बाई सी इसको भी सही ऑर्डर में लिखो, 1 बाई बी और 1 प्लस में 1 बाई सी, ओके स्टूडेंट्स। किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और जो हमें चाहिए था वो मिल गया ना आपको, ये 1 प्लस 1 बाई ए 1 बाई बी प्लस में 1 बाई सी, और ये हमें बनाना था। आप समझ गया क्या न्यू ऑपरेशन बनेगा, आप क्या बनेगा या क्या कॉमन आ रहा है, आप कहोगे सर आर 1 से कॉमन ले लो, आप क्या कॉमन ले लो, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी, और वही गाइस हम क्या ले रहे हैं यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो अपने पास क्या रिजल्ट निकल के आएगा, जिस बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना सबसे पहले तो वो वाले करो स्क्रीनशॉट ले लो, आप ले लिया, अब देखते हैं क्या बनेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना एबीसी चल रहा है, एबीसी को नोट, सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देता हूं टेकिंग कॉमन, यानी क्या अपना जो न्यू वर्क होगा वो क्या होगा, टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन क्या कॉमन हो गया, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस में 1 बाई सी, ओके। किससे कॉमन हो गया आप इसे आर वन से, तो फ्रॉम लिखो और यहाँ पे नोट कर दो आर वन, फ्रॉम है आर वन से क्या ले रहे हैं, कॉमन ले रहे हैं। अब गाइस ए बी सी तो पहले ही चल रहा है अपने कंटिन्यू, ये रहा फिर हमने नया कॉमन क्या ले लिया, 1 बाई ए 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो न्यू रिजल्ट क्या बनेगा आप क्या नोट कर दोगे, यहाँ पे न्यू रिजल्ट आएगा गाइस अपना 1 1 1 1 बाई बी 1 प्लस में 1 बाई बी एंड 1 बाई बी, ओके 1 बाई सी 1 बाई सी 1 प्लस में 1 बाई सी, ओके स्टूडेंट। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी बच्चे याद कर लोगे आराम से, ये स्टेज आ गया आपको समझ में, 1 1 ले गया अंदर, 1 1 बन भी गया अपना। अब 1 1 को किस में कन्वर्ट कर दो आप, अभी मैंने बताया रिसेंटली किस में कन्वर्ट कर दो आप, कोई सर 0 में कन्वर्ट कर दो, तो 0 करते हैं, 0 के लिए क्या होता है ऑपरेशन अपना C1 माइनस C2, C2 माइनस C3, और वही स्टूडेंट यहाँ पे ब्रेक करते हैं, ओके। तो बाई ऑपरेशन लगाते हैं पहले C1 में, तो C1 माइनस में C2 एंड C2 माइनस में C3, C2 माइनस में C3 सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं स्टूडेंट्स भी अच्छे से। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस में 1 C1 माइनस C2 1 माइनस में 1, पहले सॉरी पहले नोट कर दो, तो अपना चल रहा है उसको नोट करो आप, उसको कंटिन्यू चलने दो। ABC सेकंड ब्रैकेट में 1 प्लस में 1 बाई ए, यानी ये पहला ब्रैकेट है, ये सेकंड होगा 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस में 1 बाई सी, ओके गाइस। यहाँ पे किसी बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। अब यहाँ पे देखो क्या बनेगा,
वन माइनस वन यानी सी वन माइनस सी टू, तो वन माइनस वन क्या होगा गाइस जीरो, वन बाय बी माइनस वन माइनस का वन बाई बी, यानी इसको सोल्व करूं तो देखो ये बन के आएगा वन बाई बी बाहर माइनस तो माइनस का वन बाई बी प्लस वन बाई बी माइनस वन बाई कैंसिल हो गए, तो डायरेक्ट हम क्या करें डायरेक्ट माइनस वन लिख दूंगे यहाँ, यानी माइनस वन नोट कर दो। ओके फ्रेंड किधर से लिखो कि माइनस वन कहाँ से आया, वन बाई सी माइनस वन बाई सी, तो किसके इक्वल आपके दूसरे जीरो के इक्वल है, ये रहेगा अपना जीरो। ओके वन माइनस वन क्या आएगा गाइस जीरो आएगा, वन प्लस वन बाई बी माइनस वन बाई बी, तो प्लस वन बाई बी माइनस वन बाई बी क्या हो गए कैंसिल हो गए, तो रिमेनिंग क्या रहेगा वन, ये नोट कर दिया मैंने वन बाई सी। अब वापिस वही फर्क अपना वन बाई सी माइनस का वन माइनस वन बाई सी प्लस वन बाई सी माइनस वन बाई सी जीरो, तो यहाँ पे गाइस क्या आएगा माइनस का वन। ओके और यहाँ पे क्या चल रहा है वन वन बाई बी एंड वन प्लस में वन बाई सी, वन प्लस में वन बाई सी। ओके और ये क्या था अपना वन बाई बी, ये रही आपकी डेटरमिनेटिव। अब आपको दिखाई दे रहा है आर वन के अकॉर्डिंग कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, सी वन के अकॉर्डिंग कर दो तो भी आंसर आ जाएगा, आर वन मैंने करा दिया सी वन भी करा दिया और सी वन वापिस करा देता हूँ कि माइनस वन आ जाए तो कैसे बनता है। ओके कंफ्यूज नहीं होना है, डरना भी नहीं, हमें आराम से सोल्व करनी है क्वेश्चन। ओके अब देखो गाइस हम क्या करें एक्सपेंडिंग करें जीरो मिलने के बाद आप डायरेक्ट क्या कर दो गाइस एक्सपेंडिंग करना आपको कोई फर्क नहीं करना एक्स्ट्रा, तो लिखो यहाँ पे एक्सपेंडिंग और C1 एक्सपेंडिंग और C1 के अकॉर्डिंग क्या करें एक्सपेंडिंग आउट ऑफ क्या चल रहा है बाहर अपना ए बी सी वन प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी। ओके गाइस क्या करना है सी वन के अकॉर्डिंग करना, ये कौन सा एलिमेंट है ए वन वन, ये कौन सा एलिमेंट है ए टू वन, ए टू वन टू प्लस वन थ्री यानी पावर क्या आ गई और, तो माइनस वाला जो आंसर है वो किसमें आएगा और ऑफ नंबर एंड माइनस में आएगा, रिजल्ट क्या आएगा माइनस में और माइनस पहले से चली रहा है यानी कि माइनस माइनस का वन, माइनस माइनस का वन। ओके माइनस माइनस में वन। ओके गाइस अब काउंट क्या करना है, देखो हम क्या कर रहे हैं सी वन के अकॉर्डिंग, ये भी काउंट नहीं होगा ये भी काउंट नहीं होगा, काउंट क्या करना आपको वन जीरो वन, काउंट क्या करना जीरो वन माइनस वन एंड वन प्लस में वन बाई सी, ये गाइस अपने क्या होगा काउंट होगा। ओके फ्रेंड्स क्लियर सोल्व कर देते हैं इसको, ये रहा इक्वल का साइन, इक्वल लगाओ ए बी सी, ये रहा अपना वन प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस में वन बाई सी, माइनस माइनस क्या हो गया वन और वन को मल्टीप्लाई करो एक्सपोनेंट को चेंज होगा क्या नहीं होगा, तो वन को काउंट ही नहीं करूंगा डायरेक्ट इसको सोल्व करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ये जीरो बन जाए क्योंकि ये जीरो में मल्टीप्लाई कर रहा है, ये जीरो वन प्लस वन बाई सी और इसका मल्टीप्लाई क्या होगा माइनस का वन, माइनस माइनस क्या होगा प्लस का वन, ये जीरो बन गया वन को नोट करो वन प्लस जीरो क्या होता है वन, वन प्लस जीरो क्या होता है वन, वन को मल्टीप्लाई करें सर चेंज होगा नहीं होगा, तो लास्ट ऑफ आंसर आएगा ए बी सी वन प्लस वन बाई ए प्लस में वन बाई बी प्लस में वन बाई सी। ओके गाइस यहाँ तक ऐसे बच्चे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस बच्चे उसके लिए सोल्व लेना वो ले सकता है और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ आप लोग करे करो अच्छे से। ओके आज के लिए इतने हैं, जितने क्वेश्चन मैंने कराए इनको अच्छे से करना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं, एक्सपेक्टेड लॉ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके जो एवरी ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं उन क्वेश्चन में कराए जा रहे हैं, तो इन क्वेश्चन को जो मैं ऑनलाइन क्लास से चल रही है आपके उन वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से कंटिन्यू करो। ओके रफ नोटबुक में करो, कहीं कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ, यूट्यूब पे आप कमेंट करके बताओ या स्कूल को इन्फॉर्म करो या मुझे इन्फॉर्म करके आप बता सकते हो सर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी क्वेश्चन रैंडमली आपको नहीं आ रहा तो आप जरूर मुझे बताना कि ये क्वेश्चन आप क्लास में कराओ। ओके गाइस न्यू नेक्स्ट डे मिलेंगे न्यू सेशन के साथ नई वीडियो लेके आपके लिए, जब तक आप कंटिन्यू स्टडी करो। ओके